आज हम पैडागॉजिकल इंग्लिश में मेंबरशिप एंड पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर हमने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, एक ही संस्था के बारे में पढ़ा था जिसका ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था आपको कि 41 मेंबर्स होते हैं काउंसिल के अंदर और एक चेयरमैन होता है जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव में 21 मेंबर्स होते हैं जो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो बिलोंग एक ही पर्सन होता है जो बिलोंग करता है UGC से यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। नेक्स्ट जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बिलोंग करता है एक ही पर्सन होता है ऑल इंडिया टीचिंग सॉरी टेक्निकल काउंसिल से। नेक्स्ट जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो एक ही होता है वो बिलोंग करता है सेंट्रल एजुकेशनल एडवाइजरी बोर्ड से। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो ऑल्सो वन पर्सन एंड इट्स बिलोंग टू प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव इज वन बिलोंगिंग टू NCERT। नेक्स्ट एजुकेशन सेक्रेटरी होता है, इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वन हु विल बी मेंबर एंड नॉमिनेटेड एंड द सेक्रेटरी ऑफ या नॉमिनेट बाय द चेयरमैन। नेक्स्ट हमारे जो है मेंबर्स होते हैं टू होते हैं वो दो होते हैं वो प्री प्राइमरी एजुकेशन के होते हैं और एक होता है प्राइमरी एजुकेशन का। बिसाइड द 12 जो बाकी के 12 बच्चे आते हैं मेंबर्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, वो एक्सपर्ट होते हैं सब्जेक्ट के जो गवर्नमेंट बिलोंग करती है सेकेंडरी जो टीचर्स होते हैं उन ट्रेनिंग उसके अंतर्गत से और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। ये हम पहले प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ चुके थे, एक संगठन था। अब नेक्स्ट जो हमारा संगठन है जो संस्थान जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। अब इसका जो फॉर्म है AIFTO यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या काम करती है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर ऑर्गेनाइजेशन इज इन द एग्जिस्टेंस वर्किंग फॉर टीचर्स एट नेशनल लेवल। ये नेशनल लेवल पे कार्य करती है, नेशनल लेवल पे काम करती है ये और उसके साथ ही साथ इट इज वर्किंग वेल इन ऑर्डर ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ VK मनचंदा। और ये इसके साथ ही जो काम करती है वर्किंग वेल इन ऑर्डर टू चेयरमैनशिप, ये जो चेयरमैनशिप के अंतर्गत ये काम करती है। अब नेक्स्ट जो है ये भी टीचर फेडरेशन होता है जो टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेशनल, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स एजुकेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स एजुकेशन ठीक है। ये दूसरा संगठन है इसका IATE, I फॉर इंटरनेशनल, A स्टैंड फॉर एसोसिएशन, T स्टैंड फॉर टीचर एंड E स्टैंड फॉर एजुकेशन, यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स एजुकेशन। देयर इज वन अनदर टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज लेवल टीचर्स एट इंटरनेशनल लेवल, ये भी संगठन है एक यूनिवर्सिटी लेवल के लिए और स्कूल लेवल के टीचरों के लिए। इट इज कॉल्ड IATE, ये कहलाता है IATE। दिस काउंसिल हैज गिवन द फॉलोइंग सजेशन, अब ये जो काउंसिल है आपको 4 सजेशन देती है उसको कौन कौन से, पहला है ऑल लेवल टीचर्स शुड बी प्रोवाइड प्रोफेशनल ट्रेनिंग अलॉन्ग विद द मॉडर्न नॉलेज इन ऑल रिस्पेक्ट, प्रोफेशनल
प्रोफेशनल नॉलेज विद और मॉडर्न फैसिलिटीज एंड नॉलेज, यानी कि उनको सभी प्रकार का जो प्रोफेशनल जो उनका प्रोवाइड कराना है, उनको ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करानी है, प्रोफेशनल नॉलेज उनको होना चाहिए, साथ किसके साथ उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो आज का जो हमारा मॉडर्न जो नॉलेज है उसके साथ में उनको टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा ऑल लेवल टीचर शुड बी गिवन इक्वल रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि जो टीचर्स हैं उन सबको एक लेवल की ही रिकॉग्नाइजेशन यानी एक प्रकार की ही पहचान दी जानी चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एस्टैब्लिश फॉर द वेलफेयर ऑफ द टीचर्स कम्युनिटी, यानी ये जो संगठन स्थापित किया जाए वो शिक्षकों के कल्याण के लिए ही स्थापित किया जाए। नेक्स्ट है इक्वल ओकेजन्स एंड चांसेस शुड बी गिवन टू ऑल टीचर्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर, यानी उनको समान अवसर दिए जाए उनके व्यवसायीकरण के लिए। नेक्स्ट है टीचर्स कॉरपोरेशन शुड बी सॉर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल प्रोग्राम, जो उनका कॉरपोरेशन हो हमेशा मिलता रहे संगठनों की सफलता के लिए। टीचर्स कॉरपोरेशन शुड बी टेकन इन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्कूल का विद्यालय का प्रशासन होता है वहाँ पर भी टीचर्स का कॉरपोरेशन यानी सहयोग लिया जाए। पीपल टीचर शुड बी कैप्ट इन कॉन्टेक्ट विद रियल सर्कमस्टेंसेस, जो पीपल टीचर होते हैं उनको हमेशा कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए, रियल जो हमारे वास्तविक जो परिस्थितियाँ होती हैं उनसे उन्हें क्या कहते हैं रूबरू होना चाहिए, अवगत होते रहना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि रियल परिस्थितियाँ हमारी क्या क्या है। अब जो आज जो आप पढ़ चुके थे वो था आपका जो हम पढ़े थे मेंबरशिप एंड पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन हमने NCTE पढ़ा था, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, उसके बाद हमने पढ़ा AIFPO यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नेशनल लेवल पे कार्य करती है। फिर हमने पढ़ा था